लेंगे कि महाराज श्री ने सुबह 5 बजे की प्रार्थना में खूब अच्छा समझा दिया था, जनेऊ लेने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को है, शूद्र को क्यों नहीं है। महाराज जिनका ये प्रश्न ही उठता है इसका अर्थ है कि ये अहंकार मूलक प्रश्न है। नहीं, हम तो सरलता से पूछते हैं, सरलता से पूछते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में त्रिकाल संध्या करना ये उनके सामर्थ्य की बात है और गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर लेना उनके सामर्थ्य की बात है। परंतु जो है शूद्र के द्वारा पूरा का पूरा शुद्ध उच्चारण करना असंभव है, क्योंकि स्वर यंत्र में भेद होता है। ये बाजा बजाते हैं ना, इनमें भी बहुत भेद होता है। कई कई ऐसे बाजे आ जाते हैं गाने वाले को बड़ी कठिनता होती है, ये बाजो गा, ये बाजो तो स्वर है, कहीं मिला लो, मिलाना नहीं होता है उसमें, स्वर ऐसे होते नहीं मिलते स्वर, जिसको हम जहां ठीक ढंग से करना चाहते हैं उस स्वर में कोमलता आ जाती है और जिसको हम थोड़ा और ढंग से सुनना चाहते हैं वो नहीं होता, उसमें खरज में भी गड़बड़ हो जाती है, कहीं आगे तीव्र में गड़बड़ हो जाती है, कहीं न कहीं वो बाजे पूरे ठीक नहीं होते। ठीक होते तो स्वर ठीक मिलता है, ऐसे फेफड़ों के अंदर जो छिद्र होते हैं वे भी छिद्र पूरे के पूरे हवा को ग्रहण करके पूरे के पूरे सही ढंग से निकाले, वहां उच्चारण में पवित्रता आती है, तो नहीं बोल सकते तो कहीं अपराध न लग जाए। अब कहे साहब बिजली का काम ये बिजली वाला भी करता है, हमको क्यों नहीं करने का अधिकार दिया गया, हम भी करेंगे। अब हमको कोई कह दे कि फ्यूज डाल दो, हमको तो फ्यूज डालना नहीं आता, हम खुद भले फ्यूज हो जाए, वो फ्यूज तो हमको डालना नहीं आता। अब कह दें साहब हमको भी बिजली काम का, अरे भैया दूर हो, ये आफत है। सुबह कितनी अच्छी बात बताई, तो ये अहंकार के लिए नहीं है, ये बताया कि जिसकी जैसी पात्रता है उस पात्रता के अनुसार उसको वैसा वैसा करना चाहिए। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब आज तो उल्टा हो रहा है, जिनको अधिकार दिया है वे तो भागते हैं कि महौसज नहीं आवे, मैं पूरी संध्या वगैरह कर नहीं सका, टाइम पर जन सका, माने रात दिन अठिन बठिन दौड़ना पड़े, मैं क्यों अब जनेऊ ले आफत ले। और जिनको कहा कि आप इस आफत से दूर रहो, वो कहते नहीं हम तो इसमें घुसना चाहते हैं, और अकड़ करके आजकल जिनको नहीं है वो कहते हम तो लेंगे जनेऊ, हम तो करेंगे, करो भाई। कोई इसमें जेल खाना मिलता नहीं, दंड मिलता नहीं, मुकदमा होता नहीं, इसका दुष्परिणाम है वो आगे भोगना हो वैसे भोगा जाएगा। शास्त्र कहता है कि शास्त्र के विरुद्ध काम करने पर उसको उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ता है, पर इतनी श्रद्धा नहीं। तो ब्राह्मण का धर्म होता है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, और दान देना और दान लेना, ये 6 ब्राह्मण के खास कर्म है। और उसका आजीविका का साधन क्या होना चाहिए, कि आजीविका का साधन होना चाहिए वार्ता, या तो कथा वार्ता आदि हो, या यायावर वृत्ति हो, या शिलोन्छन वृत्ति हो, या शालीन वृत्ति हो। शालीन वृत्ति माने अपने घर में बैठे हैं, कोई आकर पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। महाराज जी ने कहा कि आजकल ब्राह्मण लोग भी खूब बड़े बड़े व्यापार आदि के सौदे में लग गए, तो उनके पास इतना धन नहीं है जितना वैश्यों के पास धन होता है, कितना ही वही का वो काम वैश्य करते हैं और वही काम ब्राह्मण भी करते हैं, लेकिन वैश्य से आगे नहीं निकल सकते। और वही मंत्र का उच्चारण वैश्य करता है और वही मंत्र का उच्चारण ब्राह्मण करता है, तो उसमें ब्राह्मण का उच्चारण सबसे अच्छा होगा। प्राचीन चली आ रही पद्धति है, उस पद्धति से हट करके चलने पर अपने आप पता चल जाएगा कि पटरी से गाड़ी उतरी हुई है। ब्राह्मण का निर्वाह तो या वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोन्छन, चारों वृत्ति बड़ी कठिन है आजीविका की, उससे अपना व्यवहार चलाना चाहिए।
लोग कहते हैं, कई आक्षेप करते हैं कि ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिख दिए इसलिए दान पुण्य श्राद्ध आदि का उन्होंने अपनी तरफ झुकाव कर लिया। अरे ब्राह्मण के हाथ में कलम था तो ब्राह्मण को तो खूब सुविधा देनी चाहिए थी। चारों चारों ब्राह्मण के कर्म है निर्वाह करने के, चारों ही बड़े कठिन। कर्म कांड करवाए तो ये वार्ता वृत्ति है, कर्म कांड से उसको जो मिल जाए। अब पंडित जी यदि कहते हैं कि साहब इतनी दक्षिणा, पहले ऐसे नहीं कहते थे क्योंकि वो देने वाला पहले से उदार भाव से ब्राह्मण को देता था। अब आजकल ब्राह्मणों में तो या जो है यातना ज्यादा हो गई और यजमान में भी कंजूसी आ गई कि ब्राह्मण देवता आप तो अभी 3 घंटे 4 घंटे ही तो बैठे हो, उसका आप ये इतनी दक्षिणा कैसे लेते हो, ये प्रश्न कर लेते हैं। ये कहने सुनने की नहीं होती, स्वेच्छा से होती है। वार्ता वृत्ति में ये है, शालीन वृत्ति में तो ब्राह्मण कहीं जाता ही नहीं। और यायावर वृत्ति के अंदर जो बस्ती से मांग लिया, आज मांग लिया और आज ही उसको पूरा कर लिया, फिर कल दूसरी बस्ती, संग्रह नहीं करते थे। तो ब्राह्मण के हाथ में यदि कलम है तो पूरी सुविधा लिखता, लेकिन किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं आता है कि वह ब्राह्मण को ये सुविधा होनी चाहिए। ब्राह्मण जितना असुविधा से अपना जीवन निर्वाह करता है उतना ही दूसरे लोगों को प्रारब्ध पर और भगवान पर विश्वास बढ़ता है। वो देख रहे एक ब्राह्मण है, इसको इतना ज्ञान है लेकिन धन इसके पास नहीं है, हमारे पास इतना धन हो गया क्या फायदा, काम तो इसका भी चलता है, काम हमारा भी चलता है। संत कहते हैं कि भाई मकानों में तो विषमता है लेकिन मशान में विषमता नहीं है। संतों की कई भी बात है, मकान में विषमता है, इसका मकान बहुत सुंदर है, ये है वो है, लेकिन अंत में मकान में तो रहेंगे नहीं, मशान में रहेंगे। तो मशान में कोई भिन्नता है क्या कि इसके साथ बिल्डिंग आई है मशान में, इसके साथ झोपड़ी आई है? मशान में तो कुछ नहीं आता, मशान में तो ये नंग धड़ंग देह जाता है, उसको जड़ा करके फूंक करके आ जाते हैं। मकान में भिन्नता है पर मशान में भिन्नता नहीं। एक संत थे, वो मशानों में रहते थे। लोगों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ रहते हो, कि भैया हम तो इस नगर के बाहर जो बस्ती है उस बस्ती में रहते हैं। नगर के बाहर कौन सी बस्ती है? कि नगर के बाहर ही तो बस्ती है, क्यों, यहाँ के सब लोग वहीं आते हैं, सब लोग वहीं आते हैं, इसलिए हम तो बस्ती में रहते हैं, हम एकांत में नहीं रहते, वहां सब लोग आते हैं और तरह तरह के मोहल्ले के लोग आते हैं, सब मोहल्ले के लोग वहीं आते हैं। आप लोग तो शून्य में रहते हो, हम लोग जो है बस्ती में रहते हैं। कि महाराज आपका तात्पर्य क्या है? कि तात्पर्य यह है कि मन है ना बहुत उछल कूद करता है, कभी के ये लेवे, कभी के ये लेवे, कभी के वो मिले, कभी के वो मिले। जब मशानों में रहते हैं तो देखते हैं कि जो हम चाहते थे वो सब इन लोगों के पास था कि नहीं। रुपया चाहते हैं कि हमको रुपया मिले, रुपया इसके पास था कि नहीं था, लेकिन मर गया तो यही आया ना, मरने के बाद यहाँ आएंगे, बाबा हम पहले जाकर वहां पहुंच गए, हम बड़े बुद्धिमान है। ये संतों की बात है। तो ब्राह्मण की वृत्ति सदा त्यागमय होती है और त्याग के द्वारा दूसरों को, खुद को, सबको शांति मिलती है, ईश्वर विश्वास बढ़ता है, प्रारब्ध विश्वास होता है। और क्षत्रिय की वृत्ति होती है कि वो दान लेवे नहीं, बाकी पांचों काम वो कर सकता है। वेश्य भी पांचों काम कर सकता है, दान लेने का काम वेश्य अच्छा नहीं लगता। महाराज जी गरीबों के घर में अनाज बटाने के लिए, कपड़ा भेजने के लिए 2 सज्जनों को भेजते थे, नौका के 2 सज्जन थे, उनको भेजा करते थे। वही वही कोई गरीब है बेचारे, ब्राह्मण है और भी है, तो वो जाते तो गांव में जाते पूछते, तो वो जाते थे थोड़ी या तो जल्दी सुबह है कि सब लोग देखे नहीं, लोग कहेंगे अरे वो मांगे देवे वो गरीब है। वो थोड़े ऐसे मौके पर जाते जिसमें लोगों को ज्यादा पता न चले। तो वहां ब्राह्मणों के घर में, राजपूतों के घर में जाते तो माताएं बहनें बाहर आती नहीं, इक्की दुखी कोई आती,
तो कहते हैं देखो भाई हमारे अकाल पड़ गए हैं, आप हमको अनाज देने आए हो तो हमको लगती है, पर एक शर्त है कि जब हमारे खेत में अनाज हो जाए तो जितना अनाज आज आप दे रहे हो उतना आपको वापिस लेना पड़ेगा। हम राजपूत हैं, हम दान ले कैसे सकते हैं, दान ले कैसे सकते हैं बताओ। और ये कपड़ा आपने दिया, रजाई आपने दी, बड़ा अच्छा है, इसके बदले में हम जितना अनाज आपको दें वो आपको लेना पड़ेगा, तब तो हम लेवे, नहीं तो नहीं लेवे। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी ने तो हमको ऐसा कहा नहीं, अब क्या करें। तो मालूम किया महाराज जी ऐसी दशा में क्या करें, महाराज जी का देव क्या, हम ले लेंगे, ले लेंगे, हम ले लेंगे, आप अभी स्वीकार करो, वर्तमान में उनका कष्ट दूर हो और उसके बाद वो देवे तो ले लो, आप और किसी को दे दे। इतना आत्म सम्मान रखते हुए वस्तु लेते, आज के जमाने की बात है कई कई की, कि नहीं भाई हम किसी का दान नहीं ले सकते। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं महाराज बासे के अंदर हमको टिकट का है जो नहीं, हम तो टिकट दे करके जाना चाहते हैं, माने वो क्या होता है कूपन, हाँ कूपन, कूपन और टिकट, वो बात एक ही है कि वो टिकट की कोई व्यवस्था नहीं रहती तो हम क्या करें महाराज, हमारे को तो हम तो टिकट अच्छा नहीं लगता। देखो भाई वहाँ कूपन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका कि हमारे मन में ही नहीं है, वहाँ जो व्यवस्थापक है उनका हमारे ये मन में नहीं है कि लोग फ्री भोजन करें, या इनके मन में किसी प्रकार की ये भावना हो कि हम गंगा के किनारे आए बिना पैसे भोजन क्यों कर रहे हैं, ऐसी हम इनके मन में भावना आने देना चाहते ही नहीं, हमारे नीयत में ही नहीं है, हमारी नीयत में है ही नहीं, हमारी नीयत में यह है कि सब प्रसाद पाए, ये भागवत का प्रसाद है, ये कोई भोजन नहीं है, ये कोई दान पुण्य नहीं है, ये भागवत का प्रसाद है। अब प्रसाद को जो जिस बुद्धि से ले हम तो उसी तरह उसी ढंग से तैयार है, प्रसाद बुद्धि से लेवे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कोई खाने बुद्धि से लेता हो भी ठीक, हम तो अब आखिर कुछ भी हो है तो खाना ही ना, तो अपना टिकट ले लो, और जो टिकट नहीं लेंगे प्रसाद बुद्धि है कि भाई ये किसी व्यक्ति का भोजन नहीं है, भागवत का प्रसाद है, अब भागवत के प्रसाद की क्या कीमत हो सकती है, भागवत का प्रसाद समझ के लेवे तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। बाकी कोई यदि इसी में भी किंतु परंतु हो तो हमको किंतु परंतु नहीं चाहिए, आपने टिकट ले हो भोजन करो, कूपन ले हो भोजन करो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, जैसी आपके प्रसन्नता हो वैसा करो। तो ये सद्भावना आपके अंदर पैदा हुई वो भी बढ़िया बात है, और जो व्यवस्था करने वाले उनके मन में पैदा हुई वो भी बढ़िया बात है। इसीलिए कहते हैं आप हम सभी सत्संग के अंदर जाने पर एक अलग ही पारिवारिक भाव होता है। अब देखो आप संसार के परिवार में दो चार रहते हैं तो वहां पर जो है खटपट रहती है, या हजारों आदमी एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ प्रार्थना में आते हैं, कथा में आते हैं, और इधर उधर आप दर्शनों में जाते हैं तो कोई खटपट नहीं, कोई बात ही नहीं। ये सत्संग के परिवार की एक सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए किसी प्रकार का विचार भी नहीं करना चाहिए, और विचार हो तो व्यवस्थापक उसके लिए भी तैयार है कि भाई हम तो टिकट दे देते हैं, आराम से कूपन ले प्रसाद पाओ। तो इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य दान लेना नहीं चाहते, दान है ही नहीं, पहली बात तो कहते हैं उनको दान लेना नहीं चाहिए और देते नहीं, नहीं, नहीं। ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्तव्य होता है सम दम तप संतोष तितिक्षा शांति। आज बताया ना महाराज जी ने ब्राह्मण के लोक क्षत्रिय के साथ और वैश्य के तीन और शूद्र का एक ही कर्म होता है, भागवत में इसी प्रकार की बात बताई। क्षत्रिय होता है उसके अंदर शौर्य पराक्रम और त्याग, क्षत्रिय में त्याग की भावना ज्यादा होती है, और वैश्य होता है उसकी भगवान में गुरुजनों में इनमें आस्था होती है, और धर्म अर्थ और काम तीनों के अंदर वो खर्च करने का स्वभाव वाला होता है, त्रिवर्ग परिपोषणम और आस्तिक्यम, उसके अंदर आस्तिकता रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्य होता है वो उद्यमशील होता है,
कुछ करके कमाना चाहता है, चाहे किसी से उधार लो, चाहे और कुछ करो, कुछ कुछ करो, उद्यमशील होता है। और शूद्र होता है, वो शूद्र होता है, एक तो विनम्र होता है। शूद्र की भाषा में बड़ी विनम्रता, संयमति और पवित्रता रहती है। वो किसी को धोखा नहीं देता है और वो चोरी नहीं करता है, अस्थिरता रहती है। और सेवा रूप जो यज्ञ करता है वो अमंत्र यज्ञ होता है, अमंत्र यज्ञ जिसमें वैदिक मंत्र तो होता नहीं, लेकिन सेवा है वो सबसे बड़ा यज्ञ होता है, अमंत्र यज्ञ है। और गाय और ब्राह्मण की रक्षा में तत्पर रहता है, ये शूद्र के लक्षण की है। अब कहते हैं कि ये तो कर दिया पुरुष विभाग, स्त्री का क्या करें? कि देखो आज बहुत बातें बताई थी प्रातः, वो या वो का वही प्रसंग आ गया। स्त्री नाम पति देवाना, स्त्रियों को चाहिए कि वो पति को देव माने। पति देव बोलते हैं, पत्नी देवी नहीं बोलते, केवल देवी तो बोलते हैं, लेकिन संबंधात्मक जो है उसमें पति देव बोलते हैं, हमारे पति देव हैं, ये पत्नी देवी है ऐसा नहीं बोलते, ये पति देव है बोलते हैं। क्योंकि स्त्री की स्वाभाविक ही अपने पति के प्रति भगवान की बुद्धि होनी चाहिए। भगवत बुद्धि के बिना उसका पातिव्रत्य थोड़ा कमजोर होता है। साक्षात भगवान मेरे भगवान है। जोधपुर में एक माई मिली थी, उसने कहा, हमने कहा कि जो वो नहीं आया आपके साथ, कि भगवान तो गए हुए हैं अभी बाजार, अब तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं, दोनों ही नहीं है। उनका शब्द था ये कि भगवान अभी गए हुए हैं, वो मैं भगवान को आपके पास भेज दूंगी, भगवान पति भी नहीं, भगवान मेरे भगवान वहां गए, मेरे भगवान। कितनी सुंदर उसकी शब्दावली थी। तो अमंत्र और स्त्री नाम से पति देवाना, स्त्री का क्या कर्तव्य होता है कि परिवार की सेवा करे, लेकिन पति के नाते सेवा करे। आपको बताया था ना कि सासू को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बहू है, और बहू को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सासू है, बल्कि बहू को ये देखना चाहिए कि मेरे पतिदेव की माँ है, कितना आदर होगा। और सासू जी को ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पुत्र का आधा स्वरूप है, तो पुत्र में जितना लाड करती हूँ उसमें से आधा लाड का पात्र तो ये है। पुत्र के अपराधों को मैं कैसे क्षमा करती आई, उसमें इसको भी क्षमा देऊं। और वो ये सोचती है कि मेरे पति की इसने इतनी बातें सही हैं, आज पति के बजाय मुझे इनकी बात सहनी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, ये कुछ भी कड़वा बोले तो मुझे सहन करना चाहिए। असहिष्णुता के कारण से परिवार टूटता है। इसलिए भी कहा ना कि वाक संयम है, संयम है। तो उन भाई बंधुओं की, पति के भाई बंधुओं की सेवा करो पति के नाते की। मेरे पति का भाई है, छोटा भाई, छोटा भाई देवर होता है, बहुत प्रिय लगता है। लक्ष्मण जी से सीता जी का बड़ा आशीर्वाद और पुत्र के समान मानती थी, पुत्र के समान। ये तो अच्छा हुआ कि जिस वक्त लक्ष्मण जी मूर्छित हुए वो रातों रात ही औषधि आ गई, सब ठीक हो गया। यदि त्रिजटा को पता चलता और सीता जी को पता चलता तो संभवतः सीता जी के प्राण रहते कि नहीं रहते। इसलिए त्रिजटा ने कभी नहीं कहा कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण को जो है मूर्छित हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये रातों रात की बात थी, रात में ही गए, रात में ही ले आए, रात में ही सब काम हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो देवर होता है वो पति का छोटा भाई, वो अपने पुत्र से ज्यादा प्यारा लगता है। कहता है माँ तुम्हारो इतना लाड नहीं रखे, मारे काकरो घणो लाड रखे, काई बात है कि थारो काको है नहीं, मारो पहलो बेटो है, तू बादरो बेटो है, तू बाद का है, वो मारो पहले है। कितना कितना हमारे शास्त्रों में परिवार में रहने का स्वरूप बताया, कहां लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा भाव होने पर, भाव ही दूषित होते तब जो सारा कलह होता है।
और पत्नी को चाहिए कि कभी भी किसी प्रकार से ऊंची ऊंची कामना करके और पति के सामने अपनी लिस्ट मत रखो कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मत करो। पति को भी चाहिए कि अपनी जो आमदनी है वो पत्नी से न छिपाए, और पत्नी को चाहिए कि उसके पास जो कुछ वो पति खर्च करने के लिए देता हो तो वो पति को बिना बताए खर्च न करे, चाहे दान पुण्य क्या कितना ही बढ़िया काम करे, लेकिन अपने पति को बता करके करना चाहिए। महाराज जी ने 2 दिन पहले कैसेट में कहा था कि वो दान नहीं, वो चोरी है, चोरी। चुपचाप दे दिया हमने, ब्राह्मण दान कर दिया, हमने एक दान कर दिया, कमा के लाता है पति, चुपचाप दान के ऊपर पति को, पति देता है खर्च की, तुम्हारे मर्जी है जहाँ खर्च करो, ये तो पति की उदारता है। आपका ये कर्तव्य होता है कि देखो ये इतना रुपया मेरा यहाँ लगाने का मन है, आप क्या कहते हो? क्या ठीक है, लगा दो फिर लगा दो। असली दान होता है, उत्तम दान होता है, पति की नजरों में होना चाहिए, छिपा करके नहीं होना चाहिए। और अप्रमत्तता किसी भी काम में, घर के अंदर काम हो तो उसमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करते, मैं तो काम करती हूँ दूसरे सब बैठे रहते हैं। इस विषय में महाराज जी बहुत सुंदर कथाएं लिखी, वो महाराज जी की एक सत्संग में जो कथाएं कहते थे उसकी अलग से ही एक पुस्तक छपी हुई है। सारा काम खुद करती हूँ, बीननी रोटी भी वही बनाती है, तो दूसरों ने कहा कि हम बनाया था, तुम बनाओ तो हम पानी भरेंगे, अब वो पानी भरने लग गई तो हम झूठे बर्तन मांजेंगी, भगवान ने भी झूठे बर्तन उठाए थे, अब वो झूठे बर्तन करने लग गए तो वो कहता मैं वो काम करूंगी वो काम करूंगी, सब काम छीन लिया तो अब क्या करें। अब साहब खूब घर के अंदर संपत्ति रहने लगा तो वहां पर धन ज्यादा पैदा हुआ, तो अब उसको धन मिला, सबको बराबर दिया, ससुर जी ने सबको बराबर धन दिया, उसने ले जाकर के अपने बड़े ही बड़े जेठ जी को धन दे दिया कि आपका लड़का बड़ा होने वाला है, विवाह शादी में लड़की में काम आएगा, मेरे क्या काम आएगा, इधर काम मैं करूं इधर पदार्थ आप रखो। सारे परिवार की नीयत सुधार दी, एक नहीं, जो संत महात्मा नहीं सुधार सकते वो करके सुधार दिया। ऐसा व्यवहार अपने करना चाहिए। सेठ जी ने लिखा कि हमारे अच्छे व्यवहार से भी किसी पर यदि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है तो समझना चाहिए कि अभी मेरे ही व्यवहार में कमी है। लोग कहते हैं मैं तो चोखो करा, अगलो चोखो को नहीं करे, बिरु अब मेके करा, नहीं अगला अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, उसके बुराई का प्रभाव हमारे पर पड़ता है तो हमारी अच्छाई का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ रहा है, हमारी अच्छा करने में कहीं की कमी है। अप्रमत्ता सुचि स्निग्धा पतिम त्व पततिम भजे, कहते हैं हमारे पति दारू पीते हैं, क्या करें, शराब पीते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, तो भाई आप अपने पति को अपनी तरफ से जितना प्रेम से समझाना है समझा दो। नहीं समझते हैं तो पति जिस समय सोए हुए हो उस समय उनके सांस कहां तक आते हैं, जहां तक सांस आते हैं हाथ से देखो कि उनकी ये नाक और मुंह से निकलने वाला श्वास यहां तक आता है, तो वहां आकर बिल्कुल छाने छाने बोलो कि मेरे पति की आदत छूट जाएगी, अवश्य छूटेगी, छोड़ देंगे, भगवान जरूर छुड़ाएंगे। 1 महीना या 2 महीना ऐसा आप नियमित करके देखो, आपके फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसमें संतों का मत है, संतों ने बताया है। छोटा बालक है, बड़ा चंचल है, उद्दंड है, तो माँ को चाहिए कि बच्चा जिस समय गहरी नींद में सो उस समय माँ उसके पास में बैठकर उसके सांस में कि मेरा बेटा बहुत अच्छा होगा, ये चंचलता छोड़ देगा, ऐसे शुभ संकल्प उसके श्वासों में जाएगा तो उस बच्चे की चंचलता उसकी उद्दंडता उस श्रृंखलता में फर्क पड़ेगा। महाराज जी ने तो यहां तक कहा कि फर्क न पड़े तो हमसे बात कर लेना। अब महाराज जी को तो कहां से लाए, उनके वचनों पर ही अपने को विश्वास करना चाहिए, ये महाराज जी की कही हुई बात है। अस्तु, इस प्रकार से स्त्रियों को अपना व्यवहार करना चाहिए। और ये तो हो गया सामान्यतया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की बात, और अब है आश्रमों की बात, कि ब्रह्मचारी
ब्रह्मचर्य अवस्था में जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाए, सबसे पहले गुरुजनों में उनका दृढ़ सौहार्द होना चाहिए। दृढ़ सौहार्द, दृढ़ सौहार्द किसको बोलते हैं कि भाई कहने के लिए, दृढ़ सौहार्द का अर्थ होता है कि खूब अच्छी उनमें श्रद्धा हो, प्रेम हो। नहीं, कभी कभी गुरुजन हमको बेकसूर भी डांट दे तो भी उनके प्रति अश्रद्धा न हो, यह है दृढ़ सौहार्द। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमको आपने यूं डंडा मार दिया, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो चिल्ला ही नहीं रहा था, आपने हमको यूं ही दंड दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ता, गुरु है, मार दिया तो मार दिया, डंडा मार दिया, थप्पड़ मार दी, मार दी। गुरु सुदृढ़ सौहृदय, जितनी गुरुजनों में हमारी श्रद्धा और हमारा स्नेह रहेगा, उतनी गुरुजनों के अंदर रहने वाली विद्या अपने आप उतरेगी, अपने आप ही, अपने आप वो विद्या उतरेगी। दूसरी बात है कि कोई भी काम गुरु से बिना पूछे मत नहीं करना चाहिए। भोजन हो, वस्त्र हो, ये पूछ करके कि ऐसा वस्त्र पहने क्या, ऐसा भोजन करें क्या, या तो भाई गुरुकुल की बात बता रहे हैं कि भिक्षा से जो भोजन लाओ पहले गुरुजी के सामने रखो। गुरुजी कहे देखो बेटा, ये है ना, ये मिर्ची का अचार ये मत खाना, ये केरी का खटाई का ये मत खाना, देखो इसमें बहुत तेल है इस साग में, इस तेल को थोड़ा अलग कर देना, इतना तेल मत खाना, देखो इसके अंदर थोड़े दुर्गंध आ रही है लहसुन की ये मत खाना, इसमें प्याज की दुर्गंध आती ये मत खाना, अपने लिए अग्राह्य है। ऐसे वो जो आदेश दे उसके अनुसार उसको स्वीकार करना चाहिए। और बताया है कि भाई चाहे गुरु की पत्नी हो छोटी अवस्था की, और चाहे उनकी बेटी भी क्यों ना हो, उन स्त्रियों से कभी विद्यार्थी को संपर्क नहीं करना चाहिए, चाहे गुरुओं की स्त्री हो, गुरु माताएं भी हो, लेकिन उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए। साफ लिखा है, क्यों? क्योंकि भाई इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्त्यपि यतेर मनः, बड़े बड़े प्रयत्नशील इंद्रियों का दमन करने वाले लोग महापुरुष भी अपने इंद्रियों के चक्र में फंस जाते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि इस मन को मत डालती है, इस मन के अंदर अच्छे विचार भरने में बहुत समय लगता है, परंतु पतन की ओर बहुत जल्दी ये मन गुड़क जाता है। और जिसमें स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है, यह तो बहुत बड़ा पतन हो जाता है, क्योंकि अग्नि और पास में पड़ा हुआ घी का घड़ा हो तो वो घी पिघलेगा। भाई जी ने तो और ही बात लिखी, हनुमान प्रसाद जी पौद्दार जी ने, उनका कहता कि घी वाली बात तो पुराने जमाने की है, आज के जमाने में तो पेट्रोल और अग्नि, पेट्रोल और अग्नि पास में रहेगी तो वहां भड़क ही जाएगी, पेट्रोल आग में भड़क जाएगा। ऐसे ही स्त्री और पुरुष का जो मन है वो पिघल जाता है, वो पिघलन के अंदर जो है दूषित भाव पैदा होते हैं। हृदय पिघलता नहीं है जिससे कोई बात नहीं है, परंतु पिघलने के बाद में फिर जो है वो मन बस में करना बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा मन है नहीं। भागवतकार कहते हैं कि क्यों नहीं ये मन क्यों पिघल जाता है, कि उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब तक परम तत्व का बोध नहीं होता, आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक उसके अंदर विषयों की सुख वासना छिपी रहती है। उस समय में मैं भोगता हूं और ये भोग्य है, ये भोगता और भोग्य का भ्रम उसके अंदर भरा रहता है, छिपा हुआ। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यह एक ऐसा जो है स्थल है जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग फिसल जाया करते हैं, तो इसमें सावधानी क्या रखें? बाहर की सावधानी तो बताई, एक तो आंखों में काजल मत लगाओ,
एक सुगंधीदार पदार्थ अपने पास मत रखो, एक उपटन मत करो, एक स्त्रियों के चित्र मत देखो। पर आजकल तो अखबारों में ऐसे अश्लील चित्र आते हैं, थोड़े थोड़े कपड़े दिखाए गए, अब उनको कोई देखे तो एकांत में देखे तो लज्जा है, एकांत में देखे तो बाहर लोगों के सामने तो साहब सभी कहे हैं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, पर कोई नहीं देखता है, अपन देखो तो सही। लेकिन नहीं, भले आदमी को वही जो है घृणा, नहीं क्या ये, क्या है, कैसा चित्र दिया था अखबार खुले आम। महाराज जी ने जयपुर में प्रवचन में कहा कि खुले आम यहाँ पेप्सी का पोस्टर लगा है, यूं खुले आम पीते कैसे दिखाते हैं। लोगों ने कहा महाराज ये तो पेप्सी का पोस्टर है, सिनेमा के पोस्टर आपने देखे ही नहीं है, सिनेमा के गंदे गंदे दृश्य, सरे आम बड़ा बड़ा बोर्ड लगा लगा करके कहते हैं अमुक सिनेमा ऐसा और अमुक सिनेमा का ये दृश्य, आओ देखो। और हमारा शास्त्र कहता है कि भाई उपटन भी मत लगाओ और जो है बहुत तड़कीले भड़कीले कपड़े मत पहनो। स्त्री अपना श्रृंगार करे तो अपने घर में ही श्रृंगार करे, बाहर बहुत अच्छे तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनकर श्रृंगार करके बाहर जाना स्त्री के लिए अच्छा नहीं है। और ब्रह्मचारी पुरुष को माला नहीं पहननी चाहिए, स्रक गंध लेपालंकारा त्यजेयूर ये धृतव्रता। गृहस्थाश्रम हुआ ये ब्रह्मचर्याश्रम के बाद यदि उसको पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो वो वानप्रस्थ में जा सकता है, संन्यास में जा सकता है, और यदि उसके अंदर किसी प्रकार की वासना रह गई तो गृहस्थ में जा सकता है। वानप्रस्थ में जाए तो वानप्रस्थ के अंदर क्या करना चाहिए कि उसको अपने घर में ही रहना चाहिए, अपने जंगल में भी रहे। उस समय के लिए तो जंगल का वातावरण था, पर आज का जो शरीर हमारा है वो वन में रहने लायक इतना है नहीं, इतना सहिष्णु नहीं, वन की प्रकृति को सहन कर ले। तो कहते हैं घर में भी 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। पीले कपड़े रहना और दाढ़ी मूंछ और जटा ये पूरी रखना, और जो है परिवार में अकेले में रहना, कमरा बंद करके भगवान का भजन करना, और विशेष करके क्या विचार करना चाहिए, विशेष करके ये विचार करें कि देखो मेरा शरीर है ही नहीं, कि है ना कि नहीं, इसमें पृथ्वी है वो बाहर की पृथ्वी से एक है, इसमें जड़ है वो बाहर के जल से एक है, इसमें जो अग्नि है वो बाहर की अग्नि से एक है, दो नहीं है, और इसमें जो वायु है वो बाहर की वायु से एक है, इसमें जो खाली जगह है, आकाश है, पोलाट है, ये बाहर के आकाश के साथ एक है। अब बताओ आपका शरीर कहाँ रहा? अरे धोरिया होता है, मिट्टी का धोरा, मिट्टी के धोरे पर बैठा हुआ बच्चा एक लड्डू बनाता है और उसको वहीं वो रखता है, तो वो लड्डू काहे का है? वो धोरे की मिट्टी का ही है और वहीं रखा है, तो वो लड्डू जो है जो मिट्टी से बनाया गया है वो लड्डू धोरे से अभिन्न है, उसी का ही है वो। ऐसी 5 भूतों से शरीर अभिन्न है, शरीर को बिल्कुल इसके साथ एक मेक करके देखें। कहते शरीर वाला, स्थूल शरीर वाला तो बैठ गया, लेकिन कारण शरीर है ना हमारे पास, 17 चीजों का कारण शरीर होता है, 17 चीजों का। देखो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, कारण ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर ये प्राण में रहता है, और कारण शरीर है वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। अब स्थूल शरीर का तो आपने बता दिया एक मेक कर लो, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियां और प्राण है, इनको एक मेक कैसे करें कि जितनी इंद्रियां हैं इनको अपने अपने देवताओं से अभिन्न करो। नेत्र का देवता सूर्य है, सूर्य के कारण से हमको इसमें तेजस तत्व को ज्ञान करने का सामर्थ्य मिलता है।
दिशाओं के कारण से कान के अंदर शब्द पकड़ने की शक्ति आती है। तो इसका मालिक कौन हुआ? दिशाएं हुई, कान का मालिक दिशा हुई, नेत्र का मालिक सूर्य हुआ, नाक का मालिक अश्विनी कुमार हुआ, जीभ का मालिक वरुण हुआ, और जीभ के अंदर एक वाक शक्ति और है, उसका सरस्वती देवी हुई, बुद्धि का ब्रह्मा जी हुए, मन के अनिरुद्ध हुए, तत्त्व इंद्रियों के तत्त्व देवता स्वामी है, वे स्वामी है, वे उनके कारण से इंद्रियों का काम चलता है, हमारा इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। अब चलो इससे पिंड छूटा, अब क्या करें कि अब ये जो देवता है ये सब सात्विक अहंकार से पैदा होते हैं, तो ये अहंकार में विलीन कर दो, सब अहंकार के वस्तुएं हैं, ये देवता अहंकार से, प्रकृति में जो अहंकार उससे सात्विक अहंकार से पैदा होते हैं, और अहंकार को प्रकृति के अंदर लीन कर लो, प्रकृति को परब्रह्म परमात्मा में लीन कर लो। इति अक्षरतया आत्मानं चिन्मात्रं अवशेषितम्। ऐसा ज्ञान करके अब बताओ हमारी स्थिति कहाँ है, अब कहाँ स्थिति है? अब अपनी स्थिति अपने आप में ही है, न देह में है, न शरीर में, किसी में भी नहीं है, अपनी स्थिति अपने में ही है। ज्ञात्वा अद्वयोथ विरमे दग्ध योनि रिवानलः। जैसे लकड़ी आग में जल जाने के बाद वो आग थोड़ी देर दिखती है, फिर आग भी शांत हो जाती है, ऐसे अपनी आत्मा में सबका विलीनीकरण हो गया, एक आत्मा ही आत्मा है, वो जब वो एक आत्मा ही है वही फिर परमात्मा माना जाता है। आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं होता, ये तो छोटी आत्मा है और वो बड़ी आत्मा है, इसलिए आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, ऐसा नहीं। और जब पूर्ण आत्मनिष्ठ हो जाए तब फिर उसको थोड़ा बहुत भी जगत का व्यवहार है वो अप्रिय लगता है, तो वो संन्यास में जा भी सकता है अथवा वो अपनी आत्मा में ही रमण कर सकता है, दोनों ही खुले हैं उसके लिए। यदि वो संन्यास में जाए तो बाहर का कोई चिन्ह धारण न करे कि भाई हम कौन से संप्रदाय के हैं, हम कौन से हैं, हम दशनामी हैं, हम अमुक हैं, कोई परिचय कोई किसी प्रकार का न, तो किसी से संबंध जोड़ना। वहां पर फिर क्या साधना होनी चाहिए? बड़ी सुंदर बात है, देखो सज्जनों कथानक तो आप सब जानते ही हो, ये सत्संग की बातें तो जितनी जाने जितनी सुने उतना ही थोड़ा है। भोजन एक बार कर लिया फिर बार बार भोजन क्यों करते हैं कि भूख लग रही है? अरे गेहूं की रोटी खा ली, बाजरी खा ली, मक्की खा ली, फिर क्यों खाते हो? या वो क्या करें, भूख लगी है, इसकी तो भूख लगनी चाहिए। यदि भूख लगनी बंद हो जाए तो डॉक्टर वैद्य को कहेंगे साहब भूख नहीं लगती है, कह देंगे साहब ये तो रोटी तो खाई हुई है। अरे खाई हुई तो क्या भूख लगती है? वो भूख तो एक अलग है, प्राणों की भूख है, ये भूख आत्मा की है। इतना सुंदर साधन बताया, इतना सुंदर। आदमी चाहे तो बहुत जल्दी जो है, जैसे महाराज जी कहते थे कि मेरे अनुभव में तो ये बात आती है कि जितना सुगम काम परमात्मा की तरफ चलने का है उतना संसार की तरफ नहीं है। कि मैं बना के नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे जची हुई बात कह रहा हूं। फिर बताया कि अभी मैं संसार में जाऊं तो कहां से तो पैसा लाऊं, कहां से मकान बनाऊं, कहां से परिवार बसाऊं, कहां से आजीविका का साधन करूं, क्या करूं, बड़ी कठिनाई है। परमात्मा की तरफ कुछ नहीं है, बस जो है उसको देखना है, जो है उधर ध्यान देना है, ये चीज है बस। इससे ज्यादा और क्या सुगम होगा? वो ही बात नारद जी कहते हैं कि जो जागृत और स्वप्न की संधि में रहता है उसका नाम परमात्मा है। कोई भी काम करते हैं, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, उसकी संधि में परमात्मा का अनुभव करो, इससे ज्यादा सुगम क्या होगा? हम वाणी बोलते हैं तो एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर बोलते हैं, उसमें संधि आए बिना दूसरा अक्षर बोल ही नहीं सकते। और उदाहरण देते हैं कि एक झूला होता है,
झूले में यूं झूलते हैं तो झूलते समय में ऐसा कौन सा क्षण आता है कि नहीं कि जिसमें झूला एकदम सीधा न होता हो। यदि एकदम सीधा नहीं होगा तो न तो इधर आएगा न आगे जाएगा न पीछे जाएगा, वो एकदम बीच में आता है पर उधर ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही लोग कहते हैं भगवान कहाँ भगवान कहाँ, अरे भगवान तो आपके प्रश्न के शब्दों में विराजमान। प्रश्न करते हैं उसमें भगवान कहाँ, ये बिना भगवान के आप बोल ही नहीं सकते। भय के बाद गै बोले तो वो भगवान के बिना नहीं बोले, भय के बाद गै बोले तो संधि में भगवान। तो सुप्त प्रबोधयो संधौ आत्मनो गतिरात्मदृक्, आत्मनो गतिम आत्मदृक् पश्ये। फिर कहते ज्यादा शास्त्रों के अभ्यास करने की जरूरत नहीं। और सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के सन्यासी होते हैं, एक आचार्य कोटि के सन्यासी होते हैं। अवधूत कोटि के सन्यासी होते हैं वो न किसी व्यक्ति से न किसी पदार्थ से और न किसी से कोई संबंध रखते हैं। अवधूत कोटि के सन्यासी ऐसे होते हैं, न उनके कोई मकान है, न कोई उनके पास द्रव्य है, न उनके पास कोई लेना देना कुछ नहीं है, एकदम अवधूत कोटि के रहते हैं। और कई महात्मा आचार्य कोटि के रहते हैं। दोनों ही महात्मा बड़ी शिक्षा देते हैं। जो आचार्य कोटि के महात्मा होते हैं वो मठ बनाते हैं और वे मठ का संचालन करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि देखो तुमसे बड़ा मठ हमारे पास है लेकिन तुम छोटे से घर के अंदर मुंह करते हो, हम देखो जनता के लिए खुला दरबार है, जनता के लिए मकान है, आओ आप सब बैठो सत्संग करो, बैठो सबके काम आता है। तो जो चीज सबके काम आएगी उस चीज में मुंह नहीं होगा। उनके पास द्रव्य होता है तो वो भी परोपकार में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो उनका द्रव्य में मोह नहीं होता। तो सेवा भाव की शिक्षा और वस्तु आदि के रहते हुए भी उसमें निर्मोह होने की शिक्षा आचार्य कोटि के महापुरुष दिया करते हैं। परंतु यदि लोभ लालच हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं को ही होता है। जितना गृहस्थ को नुकसान नहीं होता उतना आचार्य कोटि में यदि ऐसे विचार नहीं होते तो आचार्य कोटि का माना ही नहीं जाता पहली बात। और यदि स्वयंभू है कि हम तो ऐसे हैं, हम तो बड़े संत हैं, हम बड़े त्यागी हैं, हमारे तो बड़ा जो है उपकार का काम होता है, आपको धन देना चाहिए, आपको साफ धन मांगते हैं करते हैं, तो भाई वो एक अलग स्थिति है, उसके विषय में हम टीका टिप्पणी नहीं करते। पर इतना अवश्य है कि ये सब कल्याण में प्रतिबंधक चीज है। इस विषय में कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज ने एक दिन दत्तात्रेय जी को देखा। राजा महाराजा थे ये, पहले पुराने जमाने में कुछ समय के लिए वनवासी जीवन व्यतीत किया करते थे ताकि वन में रहें, और वन में रहने पर उनको वहां वन के अंदर रहने का अभ्यास करना होता था ताकि जब राजपाट छोड़ करके हम वन में आए तो कठिनाई न हो। साल में कभी महीना दो महीना पांच दिन दस दिन वो वन का अभ्यास किया करते थे। तो प्रहलाद जी भी गए एक जंगल में, सुयोग की बात थी, कावेरी नदी की बात थी, सुयोग की बात थी कि वहां दत्तात्रेय महाराज वो भी एक वृक्ष के नीचे बड़ी सी शिला है उस पर मस्ती के साथ रहते थे, बड़े मस्त। साधु का जो आनंद होता है वो उसकी चाल से, उसके नेत्रों से और उसके व्यवहार से अपने आप जाना जा सकता है। जो असली संत होते हैं आज तो हम खुला कह सकते हैं भाई, उस समय तो हम नहीं कह सकते थे, आज हम खुला कह सकते हैं। रामेश्वरम में महाराज श्री का पाठ का कार्यक्रम था, उसके बाद हम दिल्ली आए और दिल्ली से हवाई जहाज में बैठ करके जोधपुर उतरना था, खेड़ापा में कार्यक्रम था। तो जोधपुर में जब हम हवाई जहाज में चढ़े तो आगे एक सज्जन बैठे हुए थे, आगे आगे की सीट पर और बारी की तरफ बैठे हुए थे। उनसे हमने निवेदन किया कि
यदि आप ये सीट छोड़ करके हमारी उस सीट पर बैठ जाए तो हम महाराज जी को यहाँ पर बैठा रहे। तो वो सज्जन बड़ा अच्छा सज्जन था, खड़े हो गए। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मैंने कहा वृद्ध महात्मा जी थोड़े चरण पसार लेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। कहा ठीक है ठीक है, हम आप उस सीट पर बैठ जाइए और वो सीट हमारी आप उधर बैठ जाइए। बैठ गए और उनके पास में ही हमारी सीट थी, हम भी बैठ गए। तो उसने पूछा कि बाबा जी कौन है, कहाँ के हैं? मैंने कहा कहाँ के क्या बताएं, अब आप तो जानते नहीं होंगे, स्वामी राम सुदास जी महाराज हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? कहाँ मठ है? कोई मठ नहीं, नहीं, नहीं। आपने गीता प्रेस का नाम सुना? हाँ हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर में है, उसका नाम सुना है हमने। नाम क्या सुना है? उसकी पुस्तक भी हमारे पास है, पुस्तक हमारे पास है। तो वो गीता प्रेस से संबंधित है और गीता प्रेस से पुस्तकें निकलती, उसमें आपके लेख आते हैं और कभी आप गीता प्रेस के संपादक भी रहे हैं और प्रतिवर्ष गीता प्रेस के अधीन गीता भवन में महाराज श्री 2-3 महीने सत्संग कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी उम्र होगी? होगी अब 100 वर्ष का स्पर्श कर रहे हैं। उस वक्त पूरे महाराज जी शतायु नहीं हुए थे, 100 वर्ष के 100 वर्ष का स्पर्श करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, है तो ये फकीर बड़ा विलक्षण लगता है, फकीर फकीर नाम लिया, फकीर विलक्षण लगता है। आप कैसे? नहीं, इनका चेहरा देखा है और इनका स्वरूप देखा है तो लगते, वो गौर से देख रहा, जिस समय खड़ा हुआ महाराज जी वहां बैठने लगे, गौर से देख रहा था, ये फकीर तो बहुत कुछ जो बड़ा पहुंचवान लगता है, पहुंचवान सब फकीर पहुंचवान लगता है। क्या पता चेहरे से लगता है, चेहरे से ऐसा लगता है। फिर मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम संजय खान। और फिर कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूं और इस समय मैं जय हनुमान नाम का सिनेमा तैयार कर रहा हूं। तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि आप मुसलमान होकर जय हनुमान का आप ये सिनेमा बना रहे, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि हम यहां हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रखते हैं, हमको तो हमारा धंधा करना है, तो जय हनुमान का हम सिनेमा बना रहे हैं। मगर इसका आधार क्या है? आधार तो गीता प्रेस से एक हनुमान अंक निकला था, हनुमान अंक में बहुत कथाएं आती हैं, उसमें से हमने बहुत सी चुन चुन करके अपने सिनेमा में रखी है। तो मैंने कहा कि आप उस हनुमान अंक के पहले पृष्ठ के दूसरी तरफ, पहले पन्ने के दूसरी तरफ आप देखना, उसमें संपादक स्वामी राम सुखदास लिखा हुआ है। और ये वो हनुमान अंक के संपादक है, ये हनुमान अंक के संपादक है। तो कहा पहुंचवान पुरुष है, पहुंचवान फकीर है, फकीर मुसलमान तो फकीर ही बोले। मैंने भी इसीलिए नाम पूछा कि फकीर कैसे बोले, संत नहीं बोले, महात्मा नहीं बोले। तो मुझे कुछ भी थोड़ा संदेह हुआ कि फकीर शब्द तो प्राय मुसलमान लोग बोलते हैं। तो फिर मैंने पूछ लिया कि आपका नाम क्या है? संजय खान है, ऐसे सब बात बताई। मैं हनुमान अंक के संपादक। तो एक विधर्मी व्यक्ति भी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता। महाराज जी को देख के ये पहुंचवान फकीर है। अस्तु, ऐसे ही दत्तात्रेय जी को प्रहलाद जी ने देखा, तो देखा तो प्रहलाद जी बड़े प्रभावित किए, कुछ खाता नहीं पीता नहीं बाबा, और बड़ा हृष्ट पुष्ट, बड़ा मस्त, चेहरे पर बड़ा तेज ओज, निष्कामता निर्ममता स्वाभाविक ही इसके दर्शन से प्रकट होती है, कौन है? पास में गए, कहने लगे महाराज मैं आपका परिचय पूछना चाहता हूं। वो संत वो दत्तात्रेय जी मुस्कुराए कि कौन है आप? कि महाराज मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। अरे नरसिंह, नृसिंह भगवान के प्यारे, क्या देखो भाषा है,
नहीं तो प्रहलाद जी कहते हैं कि नृसिंह भगवान का आविर्भाव मेरे कारण से हुआ है। नहीं, परिचय देव तो अपने छोटेपन का परिचय देव। जयदयाल जी गोविंदका जी ने कहा कि हमको कोई गीता प्रेस के ट्रस्ट की मीटिंग के बाहर पूछे कि आप कौन है, तो कहता हूं जयदयाल गोविंदका। कहां रहते हो? बाकुड़ा। क्या काम करते हो? कि सूते का काम करता हूं और वैश्य हूं, मामूली वैश्य हूं, सूते का काम करता हूं और बांकुड़ा रहता हूं। हम अपना परिचय गीता प्रेस का अध्यक्ष कहने का, हम अपना परिचय देकर गीता प्रेस के गौरव को नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि गीता प्रेस के वास्तविक अध्यक्ष तो भगवान है, उसके संचालक भगवान है। हम तो मीटिंग के समय में थोड़ी देर अध्यक्षता कर लें तो अलग है, सदा के लिए थोड़ा ही। ऐसे ही प्रहलाद जी ने कहा मैं हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद हूं, हिरण्यकश्यप का बेटा। क्या प्रभावित हुए सरलता से। दत्तात्रेय जी ने कहा कि सुनो, मेरा परिचय पूछते हो, क्या परिचय दे। मैं इस संसार में न जाने कितने कितने बार देवता बना, कितनी बार पशु बना, कितनी बार पक्षी बना, कितनी बार मनुष्य बना, सब इस मानव शरीर की गलतियों से बना। इस सृष्टि को देखता हूं तो जितने जीव जंतु हैं ये सब मुझे लगते हैं कि इनका भूतपूर्व जीवन मानव था, ये भूतपूर्व जीवन इनका मानव ही था। और मैं भी कई बार मानव जीवन में आया, बहुत दुख पाया, इसलिए अब मैं थोड़ा सावधान हुआ हूं कि भाई न जाने मानव जीवन कब चला जाए, सावधान रहो। सावधानी यही है कि जिस सुख के लिए लोग दौड़े फिरते हैं, मारे फिरते हैं, बाहर घूमते हैं, वो सुख तो उसके अंदर पड़ा हुआ है। जैसे हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी की सुवास है, वो बेचारा बाहर ढूंढता रहता है, वहां सुगंध, वहां सुगंध। हिरण दौड़ता क्यों है? हिरण कोई अपनी समझ में यूं बेसमझ से नहीं दौड़ता, उसको सुगंध आती है घास। अब आती तो है अंदर की, वो देखता है घास में सुगंध है, वो अपने अंदर की गंध जाकर घास से लिपटती है तो वो घास सुवासित होता है। वो कहता है और ले, और ले, और ले, छलांग मारते मारते चला जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर तो है सुख, और सुख का प्रतिबिंब पड़ता है भोग आदि पदार्थों पर, उसके लिए हम बाहर देखते अंदर देखते नहीं। एक बाबा जी ने देखा कि तालाब के किनारे एक आदमी बराबर कूद रहा है, बाहर आ रहा है, कूद रहा है, बाहर आ रहा है। बाबा जी ने कहा अरे तू सुबह से ही काम कर रहा है, क्या बात है? कि महाराज क्या बताऊं, एक समस्या होगी। बता, बात यह है कि मैं तालाब के बाहर आकर के देखता हूं तो पानी में देखो वो हार दिखता है, और जब मैं पानी में कूदता हूं और उसका निशान लगा के हाथ फेरता हूं तो कादे के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब यदि हार नहीं है तो दिखता क्यों है, और यदि है तो मिलता क्यों नहीं है? यदि है तो मिलना चाहिए, कादा मिलता है मुझे, और नहीं है तो ये देखो दिख रहा है ना। तब कहा कि भैया इतनी अकल मत लगा, थोड़ा लोगों ने पूछा कर, पूछ तो शरीर की क्या है। तो महाराज मुझे तो पता चला नहीं, तो हम बताते, थोड़ा उलट करके देख। यूं उलट करके देखा तो वृक्ष के ऊपर एक हार लटका हुआ था, उसका प्रतिबिंब वहां पड़ रहा था, उस प्रतिबिंब को उसने सच्चा मान लिया। ऐसे हम लोग अपने आत्मानंद का प्रतिबिंब विषयों में देखते हैं और उसको सत्य मानते हैं, और उसके पीछे रात दिन कूद फांद लगाते हैं और कादा कीचड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये राग और द्वेष और मोह और काम और क्रोध, ये सब क्या है? कादा कीचड़ है। ये सुखाशक्ति से सब सब इसी से पैदा होता है। काम एश है, क्रोध एश है, रजोगुण समुद्भव है। अर्जुन ने कहा महाराज न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? भगवान ने कहा भैया उसके अंदर सुख बुद्धि भरी पड़ी है, काम एश है, क्रोध एश है, रजोगुण समुद्भव है। इसलिए भैया मैं तो अब बहुत सावधान हो गया। संसार के अंदर हम तो यही चाहते हैं ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए,
पश्यामि धनिनाम क्लेशम बहु, को धन में दुख नहीं है। पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानाम और अजितात्मनाम, खुद के अंदर लोभ इतना पड़ गया तो वो धन उसको दुख देने वाला हो गया। धन बिचारा जड़ है, वो कैसे दुख दे, लेकिन अंदर लोभ की वृत्ति है, इस कारण से वो धन उसको दुख देता रहता है। ज्यादा होता है तो कोई कोई ले न जाए, इसका भय लगता है। सर्वतो अभी भी शंकी नाम, सब जगह उसको डर लगता है, कहीं कोई चोर न ले जाए, कहीं राजा टैक्स न लगा दे, या कोई हमारा मित्र हमसे मांग न ले, और जो है, या कोई हमारी बुद्धि खराब न हो जाए, कभी हम पागल हो गए तो जाने इस धन को हम कैसे लुटा दे, फेंक दे, ये कर दे, वो कर दे, इसलिए सबसे भयभीत रहता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जैसे सर्प होता है अजगर, ऐसे मनुष्य को निर्वाह की सामग्री तो मिलती ही है, इससे ज्यादा संसार कुछ दे नहीं सकेगा, कोई बहुत आनंद दे देगा नहीं। बस भूख लगे तो रोटी मिल गई, और प्यास लगे तो जल मिल गया, और सर्दी गर्मी लगे तो कपड़ा पहन लिया, मकान में बैठ गए, इतना तो ठीक है। पर ये भी किसके लिए होना चाहिए? ये भी भगवान के भजन के लिए सामग्री होनी चाहिए, भोगने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिचारी मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा करती है, पर उस शहद को अब बाद में खाएंगे, बाद में पिएंगे, बाद में पिएंगे। शहद इकट्ठा करते करते वो छत्ता पकता है, इसी समय में कोई दूसरा ही ले जाता है। तो धन इकट्ठा करते हैं कि काम आएगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम आ गया, जितना हार्ट फेल हो गया, जाने किसके काम आएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दत्तात्रेय जी धन संचय का बहुत ही दोष देखे हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई मैं तो एकदम सबसे उपराम हुआ रहता हूं, मुझे राजा महाराजा बुलाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़ा स्वागत करते हैं, हाथियों पर बैठाते हैं, रथों पर बैठाते हैं, सब जगह बैठ जाता हूं, और बड़े बड़े दुशाले, बड़े रेशम के अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते पहन लेता हूं, और कभी जाता हूं तो लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मेरे से कंबल वगैरह सब खोस लेते हैं, सब कपड़े खोस लेते हैं, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, वाह भगवान तुम ही देने वाले, तुम ही लेने वाले, ले वो है जितना ले, बाद में क्या लोगे, भगवान समझ के लेता हूं कि भगवान दे रहे हैं, और भगवान समझ के छीनने वालों के हाँ ले जाओ छीन लो, ये भगवान ही आकर वापिस ले रहे हैं, और वे मेरी परीक्षा लेते हैं, देखे तेरे पर क्या असर होता है। ना हम निंदे न तस्तौमी, न तो मैं किसी की निंदा करता हूं और न मैं किसी की स्तुति करता हूं। तो क्या करते हो, मैं जानता हूं कि ये संसार अलग अलग स्वभाव वाला है, किसी का सेवा करने का स्वभाव है, तो किसी का चिढ़ाने का स्वभाव है, किसी का क्या स्वभाव है, स्वभाव है। आखिर आपको इतना कष्ट क्यों नहीं होता, मान अपमान में आनंद क्यों नहीं होता, अपमान में आपको कष्ट क्यों नहीं होता, क्यों करूं मैं अपनी आत्मा में रहूं कि बाहर जगत में फिरता फिरूं। क्या सुंदर उत्तर दिया है, आत्मानुभूतौ ताम मायाम, मैं अपने अनुभव में आने वाली आत्मा में डूबा रहता हूं। अब जो आदमी पानी में डुबकी लगा रहा है, वो आदमी बाहर के शब्दों को क्या सुनेगा, लोग बोलते रहो वो पानी में, उसको कुछ सुनाई नहीं, नहा रहा है। ऐसे ही मैं तो अपनी आत्मा में डूबा हुआ हूं, मुझे मान अपमान से क्या लेना देना। दत्तात्रेय जी बोलते हैं, प्रहलाद जी तो आप भगवान के भक्त हैं ना, इतनी देर आपसे बात कर ली, मैं हर किसी से इतनी बात करना भी अच्छा नहीं मानता हूं, पर ऐसी ऐसी बातें भक्तों के सामने, सज्जनों के सामने, संतों के सामने, कल्याणार्थियों के सामने जाने से इनकी कीमत होती है, नहीं तो कोई कीमत नहीं होती। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आप तो अपनों की बात तो बहुत बोले, हम गृहस्थियों के लिए तो कुछ बताओ। नारद जी कहने लगे, देखो गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा काम है, गृहस्थ का जो काम है उसको गृहस्थ का काम समझना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र ने एक बार सीकर में बताया था, सीकर में किसी ने पूछा कि महाराज
हम घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। महाराज जी ने जोर से कहा, आज से घर का काम करना बंद कर दो, घर का काम करो ही मत। कि महाराज घर को काम नहीं करा तो फिर काम किया चले, घर को तो काम करना ही पड़सी, तो फिर मैं कठे जावा। महाराज जी का घर का काम मत करो, भगवान का काम करो। ये घर भगवान का है, भगवान के ही प्राणी है, भगवान के ही पदार्थ है, सब भगवान के। पंचामृत में यही तो बात है, पांच अमृत है, पांच अमृत, पांच अमृत। जैसे गाय में से पंचामृत लेते हैं, ऐसे संतों में से ही पंचामृत निकला है। मैं भगवान का हूं, भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूं, ऐसे ही पांच अमृत है। तो भगवान का ही प्रसाद है, भगवान की वस्तु है, भगवान के ही परिवार है, भगवान का ही सब कुछ है, भगवान के लोगों की सेवा करता हूं। तो वासुदेवार्पणम साक्षात, भगवान वासुदेव के सब क्रियाएं अर्पण करूं। क्रिया कुर्वन गृहोचिता सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि बराबर सत्संग करते रहो। सत्संग करने से क्या होता है कि अकस्मात घर में कोई मर जाता है तो दुख नहीं होता। वो जैसे रोज सुनते हैं कि शरीर जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, और जो जाने वाले हैं उनको पहले ही जाने वाला समझ लेता है, वो आदमी तत्व को प्राप्त कर लेता है। विमुच्छेद मुच्य माने, जो हमारा त्याग कर रहा है उसी का ही त्याग करना है, त्याग उसी का ही करना है जिसका त्याग पहले से ही है। जबरदस्ती पकड़ते हैं, विमुच्छेद मुच्य माने था कब जिसका आप त्याग करोगे। हम साहब हमने तो जो है इस चीज का त्याग कर दिया, त्याग कर गया, त्याग ही था। जबरदस्ती पकड़ पकड़ रखी थी, पकड़ का त्याग ही त्याग है। वस्तु तो छूट रही है, व्यक्ति छूट रहे हैं, क्या त्याग हुआ। तो छूटने वाले से ही छूटना है, इस बात को याद रखो। और नारद जी कहते हैं कि गृहस्थियों को चाहिए कि यावद अर्थम उपासित, जितना उसके पास द्रव्य है केवल उसी से ही अपना निर्वाह करो। जितने निर्वाह की आवश्यकता हो उतना ही अपने पास में वस्तु आदि रखो, ज्यादा मत रखो, ज्यादा संग्रह मत करो। क्यों, क्योंकि नहीं तो चोर कहलाओगी, चोर। यावत गृहीत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडम अर्हति। और बताया कि सबसे बढ़िया स्वभाव की टकराहट होती है परिवार में, तो स्वभाव की टकराहट से बचने का सबसे अच्छा उपाय बताते हैं कि माता पिता भाई बंधु गुरुजन बेटा स्त्री जो हमसे जैसा कहते हो उनको हाँ में हाँ मिला दो, हाँ साहब ठीक है आप कहे वैसा। यद इच्छन्ति और यद वदन्ति, वो जो बोलते हैं जो हमसे इच्छा करते हैं अनुमोदित, हाँ ऐसा ही है साहब, हाँ ऐसा ही है। दूसरा हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं बदलता, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं, पर हम दूसरे के स्वभाव के अनुसार अपने को ढाल लें ये हमारे हाथ की बात है। तो दूसरा चाहे वैसा कर दो, हाँ साहब हाँ ठीक, ये बात है ऐसा ठीक, कोई टकराव नहीं होती। और अपने घरों में रहने वाले पशु पक्षी कीड़े पतंगे इन सब को देखते रहो, मक्खी मच्छर को देखो, चिड़ियाओं को देखो, कबूतरों को देखो, अंडा देते हैं, चिड़िया ब्याती है, आपके घर में मक्खी मच्छर ये सब रहते हैं, तो आपको खूब दार्शनिक दृष्टि से देखना चाहिए कि ये घर इनके भी काम आता है, हमारे भी काम आता है। मौके पर ये उड़ के चले जाते हैं, ऐसे हम भी एक दिन उड़ के चले जाएंगे, हमारे में इनमें अंतर कितना है, कियत अंतर। और फिर कहा कि सबसे ज्यादा गृहस्थ में स्त्री में आसक्ति होती है, तो स्त्री को सदा परिवार की सेवा में लगाओ, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे,
सेवा में लगाने से आपके मन में ये बात कि मेरी पत्नी है और मेरे लिए ही है, ऐसी भावना नहीं रहेगी। क्योंकि यह एक ऐसी जगह है कि इसको जीतना मुश्किल होता है, इसलिए जय्यात यस्तेन यजितो जीता है। जो इस प्रसंग को जीत गया उसने सारे संसार को जीत लिया। यहां बहुत सावधानी से चलना, अपनी स्त्री को परिवार में सबकी सेवा में लगाओ। क्या हमें सबसे क्या मतलब है, मैं अकेला कमाऊं, सब बैठे रहे इसलिए हम तो अलग होंगे। कहते हैं कि भाई ऐसे रहने से परिवार में आप अलग रहने की वृत्ति करेंगे तो सेवा भाव नहीं हो पाएगा, साफ कह रहा है। और आपके पास में यदि द्रव्य है तो आप तीर्थों में जाओ। सब देखो, तीर्थों में जाने से सत्संग आदि में जो खर्चा लगता है वो खर्चा बहुत पवित्र खर्च होता है। अब आप आए हो, रेल में टिकट लिया है, पर क्या बताएं, कभी कभी बातें सुनते हैं तो मन में खिन्नता भी होती है कि अरे आप गंगा के किनारे जा रहे हो और सत्संग के लिए जा रहे हो, गीता भवन जैसी पवित्र सच्ची संस्था में जा रहे हो, भागवत जैसे अनुष्ठान में शामिल हो रहे हो, थोड़ा सा किराया कम लगेगा इसलिए 55 वर्ष की जगह 60 वर्ष लिख दो, थोड़ा किराया कम लगेगा, थोड़े से 100-150 रुपए के बचाव के लिए ऐसा करना ये बहुत अनुचित बात है। सोचते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, थोड़े दिन 10 दिन जाया में वहां बड़े अफसर से बात की, साहब आएंगे तब हाजिरी लगा देंगे और अभी अभी हमारा जो है गैर हाजिरी भी मत लगाओ और हमारा अवकाश भी मत लिखो, अवकाश तो और समय काम लेंगे, अभी हम जा रहे हैं। ऐसे झूठे ही वहां जाकर उपस्थिति भर देना और फिर हम आते हैं कि यहाँ गीता भवन में गंगा के किनारे सत्संग सुन लिया। महाराज जी ने कहा कि साधन के साथ जो असाधन होता है वो असाधन साधन की महिमा को खा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कितनी सुंदर लकड़ी क्यों ना हो, यदि उसमें दीमक लग गई तो उस लकड़ी को खोखला करके रख देती है। ऐसे ही साधन के साथ बेईमानी होती है, झूठ कपट होता है और कुछ दोष होता है, वो दोष साधन के महत्व को खा जाता है और मन में भ्रम होता है कि हम इतना साधन भजन करते हैं। अरे करने पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना ये ध्यान देना चाहिए कि हम न करने वाले काम तो नहीं करते हैं ना। तीर्थों में जाओ, तीर्थों में जा करके और वहां पवित्र ब्राह्मण वगैरह उनको दान दो, उनको साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके दान में दे। नारद जी ने कहा कि घर में रहो तो अपने यहां श्राद्ध कर, श्राद्ध करने से पैतृक संपत्तियों के अंदर मोह नहीं होगा। श्राद्ध करें तो ज्यादा विस्तार मत करो, श्राद्ध के अंदर 2 या 3 ब्राह्मण बुलाओ, ज्यादा नहीं, 2 देवे पितृकार्य 3 श्राद्ध 2 प्रकार का होता है। एक तो सद्य श्राद्ध होता है जिसको 12वां या 13वां बोलते हैं, उसमें तो अपनी शक्ति सामर्थ्य और समाज की परंपरा के अनुसार खर्च किया जा सकता है, लेकिन जब पितृ मेला हो जाए उसके बाद जब श्राद्ध का दिन आता है तो 1, 2, 3 बस 3 से ज्यादा ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, चाहे कोई कितना ही समृद्ध क्यों न हो, वो भोजन दूसरे के लिए अग्राह्य होता है। ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए कि जो रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो और जो है पहले उसको निमंत्रण दो कि हमारे दादाजी का, पिताजी का, कि माताजी का, कि जिसका भी श्राद्ध है उसका नाम पता सब गोत्र वगैरह सब बताओ, ताकि वो सुबह उठकर जल्दी गायत्री मंत्र आदि का अनुष्ठान करके पितरों का आह्वान करता है और उस मंत्र में आता है कि पितरों आप मेरे अंदर आओ और आप अपने संतानों के द्वारा प्रदत्त भोजन उसको स्वीकार करो। उस मंत्र को बोलता बोलता वो ब्राह्मण उनके घर जाता है और उस समय ब्राह्मण के चरणों को वो यजमान धोता है और बड़े प्रेम से उनको बैठाकर पहले उनको भोजन कराता है,
भोजन भी खीर का होना चाहिए, गरम गरम होना चाहिए, पितर उससे तृप्त होते हैं। जल तो होना चाहिए ठंडा और भोजन होना चाहिए गरम। गरम भोजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन करा करके बड़े प्रेम से उनको विदा करो, और फिर उसके बाद जो घर के सदस्य बचे हैं वो अपने पितरों का प्रसाद समझ करके भोजन करें, स्वाद लेकर के। पितरों का प्रसाद है, मेरे दादा दादी का, मेरी माँ का, मेरे पिता का प्रसाद है। प्रसाद समझ करके भोजन करें, और उसके बाद यदि भोजन बच जाए तो वो भोजन कहीं खड्डे में गाड़ देवे, ये मंगतू को दे दें। मंगतू को भी नहीं देना चाहिए, वो अग्राही है। कहते हैं ऐसे और ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए कि जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ हो। यजमान भी कैसा होना चाहिए जिसके ऑपरेशन नहीं हुआ हो। और पितर भी ऐसा होना चाहिए जिसका ऑपरेशन परिवार नियोजन नहीं हुआ हुआ हो। तीनों का जब संयोग होता है तब वो श्राद्ध विधि पूरी होती है, अन्यथा ऊपर की क्रिया होकर के रह जाती है, श्राद्ध का अन्न मिलता नहीं। न क्योंकि पितरों ने भी ऑपरेशन करा लिया, नहीं मिलेगा, पितृ संबंध टूट गया। इसलिए महाराज जी के मन में बड़ी भारी वेदना थी कि परिवार नियोजन से लाभ देखते हैं केवल यहाँ जीने का, और मरने तक आपको दुख पाना पड़ेगा, मरने के बाद भी दुख पाना पड़ेगा, आपको अन्न जल नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी क्या दशा होगी उसका विचार करते नहीं, यहाँ क्या खाएंगे क्या पिएंगे। यहाँ के लिए तो प्रारब्ध है, लेकिन पितर लोग के लिए प्रारब्ध भी नहीं है, संकट तो वहां आएगा। यहाँ तो आपके भाग्य के अनुसार होगा, लेकिन वहां भाग्य के अनुसार पितरों का भाग्य थोड़ा ही होता है। अस्तु। और बताया है कि सदा संतुष्ट मना होकर के रहो, और बताया कि धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता मत समझो। हमको तो साहब बहुत बड़ा धर्म का काम करना है, अस्पताल खोलना है, बहुत बड़ी गौशाला चलानी है, उसके लिए हमको धन की आवश्यकता है। तो धर्मार्थम अपि नेहेत यात्रार्थम वा धनो धनम, निर्वाह के लिए भी और किसी के लिए भी धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा करने पर उसका तेज खत्म हो जाता है, और जो संतुष्ट रहता है, अपने आप का सुख में रहता है, उसको इधर उधर दसों दिशाओं में वो दौड़ने में वो सुख मिल ही नहीं सकता है। देखो भागवत में भी स्टिकर्स है, भागवत के स्टिकर्स क्या, कि संकल्पों को कैसे जीते, नहीं काम को कैसे जीते, कि संकल्प ही मत होने दो। स्टिकर्स के माने छोटे छोटे तो वाक्य होते हैं, असंकल्पा जयेत कामम, अच्छी बात है। क्रोध को कैसे जीते, कि अपने मन में कोई कामना ही मत होने दो, क्रोध आएगा ही नहीं। कुछ न कुछ कामना होती है और वो पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। और लोभ को कैसे जीते, कि धन पदार्थ के अंदर अनर्थ देखो, उसके अंदर प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट देखते हो, माइनस पॉइंट देखते ही नहीं, क्योंकि लोभ है वो माइनस पॉइंट देखने नहीं देता। तो लोभ को जीतना है तो अर्थ के अंदर अनर्थ देखो, अर्थानर्थ या लोभम, और भयम डर बहुत लगता है, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने वाला, भगवद आश्रित रहने वाला, तत्व को प्राप्त होने वाला भयभीत नहीं होता। कि क्या बताएं, घर में मर जाते हैं और कुछ हो जाता है, शोक बहुत होता है। तो आण्विक शिक्षा, सत्संग में बैठो, सत्संग से शोक और मोह दूर हो जाते हैं। एक आदमी के अंदर दिखावटीपन बहुत होता है कि लोग मुझे अच्छा माने। महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है अच्छे बनो, उसमें लिखा है कि लोग अच्छे दिखना तो चाहते हैं पर अंदर से अच्छा होना नहीं चाहते। ऊपर से तो अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग मुझे अच्छा बताएं। अच्छा बताने में हमारा नुकसान है और अच्छा बनने में हमको लाभ है। अच्छा हम अंदर से अच्छा है और बाहर से हमको बुरा मानते हैं, समझ लो कि हम निहाल हो गए, हमारा भाग्य खुल गया। क्योंकि हमको वैसे ही लाभ होता है जैसे कोई आदमी फटा पुराना कपड़ा रखता है लेकिन उसके अंटी के अंदर करोड़ रुपए का हीरा छिपा रहता है। लोग अरे यार दरिद्री दरिद्री,
अरे इसके पास कुछ नहीं है खाने का, नहीं देखो कपड़ा कैसा फटा पुराना मेला कुचेला पहन रखा है। वो आदमी नाराज होता है क्या? वो आदमी देखता अब बड़ा अच्छा है, मेरे हीरे को कोई खतरा नहीं है, करोड़ रुपए का हीरा है, अंतिम में बांध रखा है और ऊपर से मेला कुचेला फटा पुराना कपड़ा, अरे बोरी लेकर के और यात्रा में डिब्बे में बैठ गया। क्या टिकट है कि नहीं तेरे पास? ऐसे ही बैठ गया है भाई, टिकट तो है जड़ ही है, थर्ड क्लास में बैठेगा, भीड़ भड़के में बैठेगा, मेले कुचेले रहेगा, सब प्रकार से वो उपालंब सुनता है, लेकिन अंदर से कैसे होता है? बहुत राजी होता है, कोई खतरा नहीं। और अप टू डेट बन के जाएंगे वो और ये वो लगाएंगे तो लोग पीछे लग जाएंगे। इसलिए सत्संग में जाओ। दंभ माने दिखावटीपन यदि नष्ट करना है तो संत महापुरुष, असली संत महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के पास में रहो तो अपने अंदर से अच्छे दिखने का भाव, लोग मुझे अच्छा माने, यही तो दंभ है, खत्म हो जाएगा। और ये मानव शरीर तो रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है, इसको परमात्मा का ही या परमात्मा की ही यात्रा करनी है। इस बात को सदा याद रखो, कर्मयोग भक्तियोग और ज्ञानयोग तीन के द्वारा परमात्मा की तरफ लगे रहो। इतना सुनाने के बाद अंत में कहते हैं कि देखो परीक्षित, देखो 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 युधिष्ठिर, मैं पहले एक गंधर्व था। बहुत पुरानी बात है, अहम पुरा भवम, मैं बहुत देखो अहम पुरा, ये दोनों जगह आता है, पहले स्कंद में भी व्यास जी को भी नारद जी ने यही कहा कि मैं पहले शूद्र कुल में, और यहां कहते हैं कि मैं पूरा, मैं पहले में, अर्थात किसी युग में मैं गंधर्व था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, और गंधर्विया मेरे पीछे रहती थी। एक बार मैंने सुना, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, नारद जी के मुख से कही हुई भागवत की बात है, कहा कि उस समय कई गंधर्विया मेरे पीछे आगे पीछे दौड़ती रहती थी और मेरे पर वो बहुत मुग्ध थी और मैं भी बहुत सुंदर था। एक बार देवताओं के यहां, जैसे होता नहीं प्राय, पर जाने क्या सुयोग मिला देवताओं को कि वहां पर भगवान की कथा का आयोजन हुआ। एकदा देव सत्रे तु, वहां पर गंधर्व भी आए, अप्सराएं भी आई, विश्वदेव भी आए, कहा हरि गाथोप गायने, भगवान की वहां पर कथा कही जा रही थी, वहां हम पहुंच गए, क्योंकि और भी गंधर्व थे, हम भी पहुंच गए, और गंधर्व तो बड़े शांत थे, और मैं उस कथा में गया और मैं नाचने कूदने लगा, कथा के अंदर नाचने लगा, अहंस गायम, जब मैं वहां गाने लगा नाचने लगा अपने गंधर्वियों के साथ में, तो उसी समय में हमको प्रजापतियों ने शाप दिया कि निकल जाओ यहां से, ऐसी सुंदर भगवान की कथा में तुम ये इतना विक्षेप करते हो नाच गान करके, निकल जाओ यहां से, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, फटकार करके निकाल दिया। इतना ही नहीं, मुझे कहा जाओ पृथ्वी पर जाओ, शूद्र कुल में जाओ। तो वहां ऐसा मैं गिरा, ऐसा गिरा कि शूद्र कुल में चला गया। कथा का मैंने अपराध किया तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। बस एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं कथा के अंदर चला गया था। बस उस प्लस पॉइंट से क्या हुआ कि वहां मुझे शूद्र कुल में भी संतों का संग मिला, और उसके कारण से उनकी सेवा के प्रभाव से आज मैं नारद बना हुआ सारे संसार को ज्ञान देता हूं। अब आप सुन लीजिए कि बिना नाच गान की कथा में मनुष्य को कितना लाभ होता है, और जो है नाच गान करने वाले को कितना नुकसान होता है। और कथा में शामिल हो गया इतने से मुझे इतना लाभ हुआ, बैठ करके सुनते हैं उनकी तो बात ही क्या है। बड़ा समझा बुझा करके कहा कि कृष्ण को तुम केवल अपना ममेरा भाई मत समझना, सारे संसार का है, कृष्ण एक का नहीं सबका है। ऐसी कथा चली, भगवान कृष्ण भी ये कथा सुन रहे थे,
कृष्ण ने और बलराम जी ने, सॉरी कृष्ण ने और युधिष्ठिर जी ने, दोनों ने बड़े सम्मान के साथ नारद जी को विदा किया और नारद जी वहां से ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में गए। देखो नारद जी जब पृथ्वी पर बहुत हर्षित होते हैं, चाहे रामायण में देख लेना चाहे यहां देख लेना, बहुत आनंदित होते हैं ना, तब वे ब्रह्मलोक में जाया करते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी को जाकर सारी रिपोर्ट देते हैं। राजा ने कहा महाराज कथा में तो हमको बड़ा रस, बड़ा आनंद, बड़ा अमृत मिला है। आपने एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु में भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो 14 अवतारों में क्या क्या धर्म की स्थापना किए हैं महाराज, जरा बताएंगे कि कितने तो हो गए, कितने होने वाले हैं और वर्तमान में क्या है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित तुम तो भोजन प्यास से ऊपर उठे हुए हो, लेकिन आने वाले समय में सब घड़ियां देखना चालू करेंगे, इसलिए सब लोग आराम से भोजन वगैरह कर आओ और उसके बाद 2 बजे से यहाँ पर विराजमान हो जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।